हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम से प्रार्थनाएं। हस्तिनापुर के स्त्रियों द्वारा प्रार्थनाएं। प्रथम स्कंद, अध्याय 10, श्लोक 21 से 30। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूँकि वे परमेश्वर हैं, अतः सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। तब भगवान ने अपने अंश रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान हैं जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुहातम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य ऋतु को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ओह, यदुवंश कितनी यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। निसंदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़ कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों की आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणिग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होंगी। इन पत्नियों से संतानें हैं, प्रद्युम्न, सांब, अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जाम्बवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह में से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। वे सारी स्त्रियाँ धन्य हैं। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। हरे कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रार्थनाएं। द्वितीय स्कंद, अध्याय 4, श्लोक 12 से 24। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के तीन गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियाँ अचिंत्य हैं। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाला तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं। जो अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं। वे भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है।
मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। मैं सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप प्रसिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान श्री कृष्ण को जो समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक तथा विष्णु जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, सभी लक्ष्मी देवियों के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हों। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता हैं। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तथा महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं, जो जीव के जनक रूप है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। मैं वसुदेव के अवतार श्रील व्यास देव को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। हरे कृष्णा।